तेज प्रताप के सपनों में आ गए श्री राम। राम जी ने बताया अयोध्या का सारा सच। राम जी भी नहीं जा रहे अयोध्या। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने भी दिया था बयान। राम मंदिर को लेकर रोज किसी न किसी के बयान सामने आ रहे हैं। हाल ही में कांग्रेस ने राम मंदिर उद्घाटन के लिए जाने से इनकार कर दिया है, तो वहीं अब बिहार के मंत्री तेज प्रताप यादव भी बयानबाजी में कूदते नजर आ रहे हैं। हाल ही में तेज प्रताप ने दावा किया है कि भगवान राम ने उन्हें सपने में कहा था कि वह 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर के भव्य अभिषेक कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने एक समारोह में कहा कि चुनाव खत्म होते ही राम को भुला दिया जाता है। क्या यह अनिवार्य है कि वह 22 जनवरी को आएंगे? चारों शंकराचार्यों के सपने में आए थे, राम मेरे सपने में भी आए और कहा कि मैं नहीं आऊंगा, यह पाखंड है। तेज प्रताप चार शंकराचार्यों का जिक्र कर रहे थे। माना जाता है कि आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित चार मठों के मठाधीशों के इस कार्यक्रम में शामिल होने की संभावना नहीं है। उनके भाई उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, जो अब सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनता दल का नेतृत्व करते हैं, ने अभी तक इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। विपक्षी बीजेपी ने भी इस टिप्पणी पर कुछ नहीं कहा है। तेज प्रताप इससे पहले 22 जनवरी के कार्यक्रम में विवादास्पद टिप्पणियों को लेकर एक कैबिनेट सहयोगी के सामने उपस्थित हुए थे, जिसमें उन्होंने लोगों से धर्म पर बयान देते समय सावधानी बरतने का आग्रह किया था। 22 जनवरी की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राम मंदिर को लेकर विपक्षी दल इस मामले का राजनीतिकरण करता नजर आ रहा है। इस बीच बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने राम मंदिर पर विवादित बयान दिया है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि अगर तुम घायल हो जाओगे तो कहां जाओगे, मंदिर या अस्पताल? अगर आप शिक्षा चाहते हैं और अधिकारी विधायक के सांसद बनना चाहते हैं तो क्या आप मंदिर या स्कूल जाएंगे? उन्होंने कहा कि फतेह बहादुर सिंह ने वही बात कही जो सावित्री बाई फुल्ले ने कही थी, यहाँ क्या गलत है? उन्होंने सावित्री बाई फुल्ले का हवाला दिया। चंद्रशेखर ने सवाल करते हुए कहा कि क्या शिक्षा आवश्यक नहीं है? उन्होंने कहा कि हमें छग हिंदुत्व और छद राष्ट्रवाद से सावधान रहना चाहिए। जब भगवान राम हमें से प्रत्येक में और हर जगह बसते हैं, तो आप उन्हें खोजने के लिए कहां जाएंगे? उन्होंने साफ तौर पर कहा कि साइंटिस्ट जो आवंटन किया गया है उसे शोषण का स्थल बना दिया गया है, जिसका उपयोग समाज में कुछ षड्यंत्रकारियों की जेबें भरने के लिए किया जाता है। उन्होंने कहा कि फतेह बहादुर ने अपनी बात नहीं बोली, बल्कि उन्होंने तो हमारी माता सावित्री बाई फुल्ले, जो देश की पहली महिला शिक्षिका थी, उन्हीं की बात को दोहराया है।